Hey guys, due to the technical fault, हम ये पूरी वीडियो नहीं कर पाए थे, सिर्फ हमने सिर्फ दो ही MCQs किए हुए थे, तो अभी इसमें हम करेंगे ये तीन MCQs करेंगे, ठीक है guys? तो जो ये वाली मेरी पहली बार वीडियो देख रहे, प्लीज आप इससे पहले वाली वीडियो भी हमने अपलोड कर दी जिसमें ये वाले दो MCQs पहले फर्स्ट और सेकेंड वाला हमने अपलोड कर लिया। तो guys चलते हैं, आज थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन देखिए, यहाँ पे थर्ड वन क्या है, पहले देखिए यहाँ पे nowadays he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month। अब गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने इसलिए इसे लगाया है, यहाँ पे देखिए यहाँ से एक सेंटेंस यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा यहाँ से यहाँ तक है, तो या तो इसमें क्या होगा, नो एरर, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये जो मैंने सेंटेंस लिया हुआ, ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, 2020 CGL के पेपर में आया हुआ है गाइस, ठीक है गाइस? अब यहाँ पे देखो मिस्टेक्स कौन से पार्ट में है, फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट यहाँ तक है और थर्ड पार्ट यहाँ तक है, या कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो हमने फाइंड आउट करनी है मिस्टेक। गाइस फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, नाउ फे डेज ही टीच फिजिक्स, जब भी कहीं पे नाउ ए डेज आएगा गाइस, नाउ ए डेज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं लगती है, तो इट मींस कि हमारा फर्स्ट ही पार्ट में क्या है गाइस, फर्स्ट ही पार्ट में हमारा एरर है। एरर कहाँ पे, वर्ब की फॉर्म में, ठीक है? यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है, फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस आप देखो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म गलत है तो फिर कौन सी फॉर्म सही है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, तो देखिए यहाँ पे नाउ ए डेज, दीज डेज, स्टिल, या एट दिस मोमेंट, तो ऐसे वाले जहां पे भी वर्ड हमारे पास होंगे वहां पे हमने क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मींस कौन सा टेंस हमने बनाना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है। तो गाइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है, टीच की जगह पे हमने क्या लेना है, ही इज टीचिंग, गाइस ही इज टीचिंग हमने क्यों लिया, इज हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया यहाँ पे, ठीक है, और आईएनजी फॉर्म लगाई क्योंकि कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म वर्ब की लगती है, ठीक है गाइस, ये वाले आप ध्यान में रखना, ये वाले वर्ड्स, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ, नेक्स्ट सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फादर सेड टू अस, इट इज हाई टाइम यू टेक सम, सेकंड पार्ट आ गया, डिसीजन रिगार्डिंग योर कैरियर, या इसके आगे ऐसा होगा, नो एरर, मीन्स कोई भी एरर इस सेंटेंस में हमें नहीं दिख रहा। तो अगर आपने क्या करा होगा, अच्छे से ये टेंसेस के रूल पढ़े होंगे, तो आप क्या कर पाओगे, इसमें बहुत ही इजिली फाइंड आउट कर पाओगे, एरर बहुत ही इजिली फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये जो गाइस सेंटेंस है, ये 2019 के पेपर में, SSC के पेपर में आया हुआ है। तो ऐसा ही सेंटेंस मैंने आपको सेकेंड, अपनी सेकेंड वीडियो, एमसीक्यूज की सेकेंड वीडियो में मैंने आपको करवाया है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, इट इज हाई टाइम, मैंने वहां पे आपको क्या बताया था, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, अबाउट टाइम, अगर कहीं पे भी हमारे पास ऐसे फ्रेज आते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं, बल्कि कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तो सेकंड फॉर्म गाइस लगाते हैं। तो सो यहाँ पे टेक जो है, टेक गलत है, तो गाइस आएगा यहाँ पे क्या, सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, टू। आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट एमसीक्यू, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट, पहला पेयर, द क्लास बिफोर द टीचर, यहाँ पे देखो गाइस, अब इसमें कौन सा एरर होगा, ठीक है, कौन से पेयर पे एरर होगा या एरर नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा एरर होगा या एरर नहीं होगा,
तो गाइस यहाँ पे देखो दिस स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट, हमें यहाँ से पता चलता है विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर, किससे पहले, बिफोर द टीचर केम आएगा या क्या आएगा, तो यहाँ पे केम जो है गाइस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये किसमें है, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट, कौन सा टेंस है ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद जो टेंस आता है वो कौन सा टेंस होता है गाइस, वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यहां पे लिख लेता हूं वो कौन सा होता है गाइस, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो गाइस यहां पे देखो केम है, केम की सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या है, केम की फर्स्ट फॉर्म है कम, ठीक है, लेकिन क्या है यहां पे, यहां पे देखो द टीचर है मींस ना तो स्पीकर है ना तो लिसनर है, यहाँ पे कौन है, थर्ड पर्सन है, टीचर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कम्स आएगा, मैंने आपको बताया होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी और इट के साथ क्या हमने लगाना, प्लेन वर्ब नहीं लगाना है, बल्कि हमने क्या लगाना है, एस और ईएस लगाना है, तो गाइज यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा सी ओ एम ई एस कम्स। तो गाइज हमारा आज की जो वीडियो थी ये लास्ट वीडियो थी, किस पे लास्ट वीडियो थी, टेंसेस की लास्ट वीडियो, हम जो आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे और हर कंटेंट को हम क्या करेंगे, टच करेंगे और आप तक ले आएंगे, जो आपको काफ़ी सारी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू।